बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हो दुनिया आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज नौवां रोज़ है, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त रोज़े गुजरे हैं। कुछ महसूस नहीं हुआ रोज़ों का, ना लगे हैं ना पता चला है कि रोज़े रख रहे हैं। तो क्यों मौसम ठंडे हैं, तो परसों हमने ज्वार बीजनी थी अपनी ज़मीन में, तो लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। उसकी वीडियो मैं अभी डालता हूँ। तो ये मौसम था उस दिन, तो इसकी वजह से हम कुछ बिजाई नहीं कर सके। तो बारिश आ रही थी, सुबह से ही शाम तक चलती रही है, और इसका डर भी था कि कहीं ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, क्यों जब बिजाई के बाद बारिश आ जाए तो फिर वो दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। एक बार हमारे साथ पहले हो चुका है, तो उस पर भी मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है। उस वक्त हमारी दोबारा मेहनत हुई थी, दोबारा ट्रैक्टर वाले को बुलाया, दोबारा रूटर वगैरह करवाया। तो आज मौसम खुला हुआ है तो इसलिए लेके आए हैं सब कुछ इधर। तो ट्रैक्टर वाला अभी आएगा, तो इधर जो काम होगा वो करेगा। फ़िलहाल तो खाद गिराई जा रही है, क्यों रोज़े के साथ हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वो एक आदमी को रखा हुआ करने के लिए, तो उसका जो खर्चा वगैरह होता है वो हम दे देते हैं। रमज़ान में यही सूरत हाल है, चारा काटने के लिए भी हमने एक लड़का रखा हुआ है, कुछ हम काट लेते हैं कुछ वो लड़का काटता है साथ। तो ऐसे जो काम होता है ज़मीनों का वो पैसे भी करवाना पड़ रहा है रमज़ान की वजह से, क्यों रोज़ा होता है तो जब ये काम करेंगे फिर रोज़ा महसूस होगा, वैसे महसूस नहीं होता है। तो अभी बस खाद गिराने लगे हैं। ये ज़मीन है जिसमें हम बिजाई करेंगे मुकम्मल, इसमें सिर्फ ज्वार बीजेंगे हम। तो सबसे पहले तक खाद वो गिरा रहे हैं वो आदमी,